चार बजे बाद तक जयपुर बंद रहेगा, चार बजे बाद हम राजस्थान चक्का जाम करेंगे। पूरा राजस्थान बंद था, सफल बंद है, आपने देखा है, अब चक्का जाम की बारी है। महिपाल सिंह मकराना ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चार बजे तक ये विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में चलेगा, उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। चार बजे बाद पूरे राजस्थान में चक्का जाम करने की तैयारी, सच बेधड़क पर महिपाल सिंह मकराना का ये बड़ा बयान। चार बजे तक बंद रहेगा जयपुर, तमाम पूरा प्रदेश, और उसके बाद चक्का जाम की तैयारी की जाएगी। तो ये प्रदर्शन उग्र होने की दिशा में बढ़ रहा है। धीरज, बड़ा बयान महिपाल सिंह मकराना ने दिया है सच बेधड़क पर। वो बोले हैं कि चार बजे बाद चक्के जाम की तैयारी की जाएगी, पूरे राजस्थान में चक्का जाम कर दिया जाएगा। ऐसे में पुलिस की क्या कुछ प्लानिंग है शांति बनाए रखने की, समझाइश करने की, प्रशासन किस तरह से दिखाई दे रहा है अभी? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर जो राजस्थान बंद के अंदर जो ऐलान किया गया था, उसके अंदर उदयपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है अलग अलग टीमें जो यहाँ पर गठित कर दी गई थी, और शहर के अंदर सही ग्रामीण इलाकों के अंदर चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस यहाँ पर तैनात कर देती, क्योंकि लोगों का जो आक्रोश है वो देखते हुए काफी भारी तादाद के अंदर संख्या जो है वो पहुंचेगी। वहीं अगर आज की अगर बात की जाए तो चार बजे बाद अगर चक्का जाम की अगर बात की जाए तो पुलिस को उसके लिए काफी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है वो यहाँ पर प्रभावित होगी, आम व्यक्ति जो है वो यहाँ पर जरूर प्रभावित होगा। आक्रोश होना चाहिए, आक्रोश होता भी है, उसकी बात अगर की जाए तो जायज है, लेकिन इस प्रकार से आम व्यक्ति को अगर परेशानी होती है तो उसको लेकर के पुलिस को भी यहाँ पर चाक चौकन जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल टीवी स्क्रीन के ऊपर पुलिस द्वारा जो है वो हल्का यहाँ पर बल प्रयोग के जो है वो यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, सच बेधड़क की टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस द्वारा जो है वो हल्का लाठीचार्ज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। फिर से भीड़ यहाँ पर उभर हुई है, आप देखिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं पत्थरबाजी जो है कलेक्ट्री के अंदर जो है वो यहाँ पर जूते फेंके गए हैं, पत्थर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देखिए उदयपुर से लाइव तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर खदेड़ने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया है, उसके बाद जो है लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो आप देख सकते हैं, लोगों द्वारा यहाँ पर ऊपर जो है कलेक्ट्री के अंदर जूते फेंके गए, पत्थर फेंके गए, देखो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग किया है, और बल प्रयोग के बाद जो है वो यहाँ पर आक्रोशित जो है वो होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल।